केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर क्यों निशाना साधा, कहा मस्जिद को बनाया गया कोविड केयर सेंटर और महाराष्ट्र में पाबंदियों को हटाने को लेकर उद्धव सरकार ने क्या कहा है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना की दूसरी लहर में इस महामारी से जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिजनों को केंद्र सरकार 5-5 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत इन पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पिछले साल भी सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले 41 पत्रकारों को ऐसी ही मदद दी थी। राहुल गांधी देश में फैली महामारी पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राहुल ने अपने नए ट्वीट में तंज किया है कि पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है, जिससे कि पीएम की नीतियों के कारण कोरोना से हुई मौत के असली आंकड़े छुपाए जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वैक्सीन की कमी से लेकर महामारी से निपटने में केंद्र के तौर तरीकों पर पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। हैदराबाद के एक मस्जिद को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। ये मस्जिद राजेंद्र नगर के इलाके शिवरामपल्ली में है। कोविड से संक्रमित लोगों के लिए यहाँ 40 बेड्स लगाए गए हैं, जिनमें से 20 बेड्स महिलाओं के लिए और 20 पुरुषों के लिए लगाए गए हैं। दरअसल हैदराबाद के पुराने शहर में ज्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने पर घर में आइसोलेशन में रहना संभव नहीं है। राजस्थान में 8 जून तक लगाए गए सख्त लॉकडाउन के बीच पाली में चोरी छिपे मृत्यु भोज करा रहे एक परिवार के घर प्रशासन की टीम पहुंच गई। परिवार के बुजुर्ग की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। घर के अलग अलग कमरों में करीब 300 लोग भोज खा रहे थे। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में तहसीलदार ने बनाए गए खाने को जब्त कर जरूरतमंदों के बीच बांट दिया और भोज कराने वाले परिवारों पर जुर्माना लगाया। महाराष्ट्र में 1 जून के बाद भी कुछ दिनों तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को जारी रखा जा सकता है। सरकार के सामने परेशानी यह है कि 21 जिलों में राज्य की औसत से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लॉकडाउन में छूट सिर्फ उन जिलों में दी जा सकती है जहां केस बहुत कम है। टास्क फोर्स के साथ चर्चा के बाद 2 दिनों में फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े से चिंता बनी हुई है। गुरुवार को राज्य में 884 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को राज्य में 992 लोगों की मौत हुई थी। कल राज्य में 21,273 नए केस मिले, जबकि 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। मुंबई में कल 1,258 नए केस मिले, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई। राज्य में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए की गई अपील वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने स्टाफ, शिक्षकों और छात्रों से वैक्सीनेशन कराने के लिए अपील कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने ब्लैक फंगस के मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 68 इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन इंजेक्शन की कीमत करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। इंजेक्शन की भारी किल्लत का फायदा ये लोग उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाँव में कोरोना संक्रमण के गंभीर हालात हैं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में 1 महीने में 60 लोगों की मौत से लोगों में दहशत है। लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम गांव की खोज खबर करने नहीं आई। मारे गए सभी लोगों को खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। टेडा गाँव के एक ही परिवार के 3 सदस्य 1 हफ्ते में जान गंवा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।